हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टमाटर की बिल्कुल नई रेसिपी, जिसको आप सिर्फ 5 मिनट में बना सकते हैं। उससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 6 टमाटर लिए हैं बिल्कुल पके हुए, तो हमें इस तरह का ही टमाटर चाहिए। तो हम टमाटर का जो बीच वाला पार्ट है, इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने इस तरह की पाइप ली हुई है, आप चाहें तो चाकू से भी इसको कर सकते हैं। हम एक टमाटर लेंगे और इसके बीच वाले भाग में हम प्रेस करेंगे। इसको हमें नीचे तक प्रेस नहीं करना है, नहीं तो नीचे से इसमें होल हो जाएगा तो हमारे मसाले जो हैं वो गिरने लगेंगे। मैंने कट लगा दिया है, अब बीच वाले पार्ट को हम अलग कर लेंगे। कट लगा दिया है, अब चाकू की हेल्प से बीच वाला पार्ट हम निकाल लेंगे। ये देखिए कितना ईजिली निकल जाएगा, तो आप भी इस तरह से पहले निकाल लें। इसी तरह से सारा बीच वाला पार्ट निकाल लेंगे। ये देखिए मैंने टमाटर में होल इस तरह से कर दिया है और इसके बीच वाला पार्ट मैंने निकाल लिया है, तो इसी तरह से सारा निकाल लेंगे। आपके घर में कोई मेहमान आए हैं, अगर आप इस तरह का टमाटर बनाते हो तो उसको बहुत पसंद आएगा और सभी लोग आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। मैंने बीच का सारा पार्ट निकाल लिया है, आप भी इसी तरह से पहले अब निकाल लें। खल लेंगे और उसमें डालेंगे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ। आप इसको मिक्सी में भी पीस सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे 4 हरी मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे अदरक का छोटा टुकड़ा, अगर आप नहीं डालना चाहते हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। अब हम इसको बारीक कूट लेंगे। इसको मैंने कूट लिया है, ये देखिए इसको मैंने दरदरा ही रखा, इससे इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच हींग, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच जीरा। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच अमचूर पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे मसाले हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इनको मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसमें अमचूर पाउडर की जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब हमने जो टमाटर लिए थे उनमें इन मसालों को भर देंगे। अब हम एक टमाटर लेंगे और जो हमने मसाले बना के रखे थे इसके अंदर हम भर देंगे। आप मसालों को कम ज़्यादा कर सकते हो। इसी तरह से एक एक करके सारे टमाटर हम भर लेंगे। स्टफ टमाटर का मसाला हमने बिल्कुल अलग तरीके से तैयार किया है, इसमें लहसुन और अदरक का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। सारे टमाटर भर के हमने रेडी कर लिया है, अब इसके ऊपर हम कवर लगा देंगे। एक एक करके हम सारा कवर इसी तरह से लगा देंगे, जिससे मसाले हमारे बाहर न गिरे। सारे टमाटर का कवर मैंने ऊपर से लगा दिया है। गैस पे मैंने पैन रख दिया है गर्म होने के लिए। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं लगेगा, बहुत थोड़ा सा ऑयल लगता है। अब हम इसको गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो एक एक करके हम सारे टमाटर इसमें डाल देंगे। बहुत ही बढ़िया रेसिपी इस तरह की बनती है, तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अब हम इस पर कवर लगा देंगे, जिससे अच्छी तरह से कुक हो जाए। गैस का फ्लेम मैंने लो ही रखा है। इसको मैंने 3 से 4 मिनट तक कुक किया है, अच्छी तरह से कुक हो गया है। तो अब हम गैस का फ्लेम यहाँ पे बंद कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। आप इसको दाल चावल या रोटी पराठे के साथ सर्व करें, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। नई रेसिपी को आप किसी पार्टी के लिए या किसी खास त्यौहार के लिए बनाएं, बहुत ही अच्छा है। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपके घर में कोई सब्जी नहीं है तो आप इस तरह का टमाटर का भरवा बना सकते हैं। इसको बनाने में हमें सिर्फ 5 मिनट लगा है, बहुत क्विक रेसिपी। दोस्तों, 5 मिनट में हमारी टमाटर की नई रेसिपी बन के रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। नए तरीके की रेसिपी, आप इसे दाल चावल या पराठे के साथ परोसें, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा।
दोस्तों आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।